तो फ्रेंड्स आज मैं आया हूँ अंकित भैयापुरिया के गांव में और ये है उनका घेर। यहाँ है उनकी कार्यशैली का एक जाना माना स्थान है। यहाँ पर मटके बनाए जाते हैं, पकाए जाते हैं। और जिस रिक्शा में बैठा हूँ ये रिक्शा आम रिक्शा नहीं है, ये रिक्शा प्रेरणा देती है जमीन से आसमान पर उठने के लिए। ये है अंकित भैयापुरिया के पिताजी की रिक्शा जिसमें वो मटके लेके आते हैं, घड़े लेके आते हैं, कमोई लेके जाते हैं, कापड़ लेके आते हैं, मिट्टी लेके आते हैं। राम राम जी सारे आ रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। आपका जी जगजीत चौधरी ब्लॉग में स्वागत है। ठीक है जी। दोस्तों हम आज आए अंकित भैयापुरिया, एक फेमस नाम है और सोनीपत में ये गांव पड़ता है। तो आज हम उनके गांव आए थे तो वो अपने घर की बजाय घेर में काम कर रहे हैं क्योंकि ये बाऊजी जो हैं ये प्रजापत हैं और इनका काम है बर्तन बनाने का जो कि पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ चलता आ रहा है। तो बाऊजी आपका शुभ नाम? राजपाल जी। आप उनके चाचा जी लगते हो जी? चाचा जी। प्रणाम बाऊजी। तो बाऊजी अभी अंकित के बारे में बताओ जरा कि अंकित का जीवन जन्म आपके सामने हुआ तो उसके बारे में कुछ बताओ जरा। उसके बताओ ये है कि वो बचपन से ही वो दौरे दांत का था, मजबूत जी जी स्पोर्ट था। अच्छा। और जो बचपन से उन्हें पहलवानी का शौक था। अच्छा। और हमने भी हम भी खेला करते कबड्डी कबड्डी तो उससे हमारे बड़ा काम भी और दूध गया घर में रखा भैंस गाय रखो। इनका जन्म हुआ ना जब से हमारे घर में घी दूध रहता है। गाँव में रहने का फायदा है जब जब आदमी के घर गाँव भैंस हो यो गाय रखता मैं भैंस रखता हूँ। अच्छा। बाऊजी का नाम क्या है? राजपाल। राजपाल जी ये उनके सगे चाचा जी हैं जी। अच्छा और बताओ बाऊजी उनके बारे में। और मजदूरी भी करी है, मेहनती भी करी है। तो टमाटो का काम जोमेटो का वो भी काम किया है और हलवाई के साथ उन्होंने मजदूरी भी करी है। यानी कहने का मतलब ये उन्होंने मजदूरी करके अपनी मेहनत के जो खाने पीने की वस्तुएं हैं वो ले आता था मार्केट में, उसकी जरूरत पूरी हो नहीं थी। अपनी जरूरत के लिए उन्होंने इधर उधर अपना हलवाई के साथ आ जाकर इधर। दोस्तों ये उनके चाचा जी हैं राजपाल जी और बिल्कुल नरम स्वभाव के हैं, नेचुरल जिंदगी है, कोई दिखावा नहीं है और बिल्कुल देसी हिसाब किताब से हैं। तो ये उनका घेर है, बाहर बर्तन पक रहे हैं, पकेंगे अब शुरू हो जाएगा, उनको रख रहे हैं जरा पीछे पराली आपके। तो राजपाल जी ये बताना चाह रहे हैं कि बच्चे ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया तब जा करके उसका नाम हुआ, तब जा करके उसका जीवन हुआ। तो कुल मिला करके मेहनत का फल मिलता है अगर ईमानदारी से आदमी मेहनत करे तो। तो राजपाल जी और बताइए उसके बारे में। और तो ये अपना ये जो तिरंगा झंडा लगा हुआ है यहाँ ये अपना बीम खींचता है। अच्छा यहाँ बीम खींचता है। हाँ। ऐसे करके। हाँ। ऐसे। हाँ। भाई वाह, यहाँ बीम खींचता है अंकित भैयापुरिया और ये देखो देसी डंबल, क्या बात है भाई, हमसे तो उठेगा भी नहीं भाई, क्या बात है। अंकित भैयापुरिया के जो डोले हैं, शोले हैं, जो बॉडी है ये ऐसे ऐसे बनी है। और ये इसके जो ये अंदर रखे थे इसका सामान, ये देखो जी एक्सरसाइज का सामान है, इसके डंबल वगैरह है, ये बॉक्सिंग के इसके और ये बॉक्सिंग के हैं। ये देखिए ये बॉक्सिंग का सामान है, ये डंबल हैं सारे, बिल्कुल देसी हिसाब किताब है। यहीं पर घड़े मिट्टी के बर्तन यहाँ रखे हुए हैं, यहीं पे इनके बॉडी बिल्डिंग का सामान है। और ये ग्लव्स हैं आपके पीछे है, देखिए जरा इस पर बॉक्सिंग करते हैं, इस पर अंकित बहुत बढ़िया बॉक्सिंग करते हैं। तो कुल मिला करके उस बंदे ने बहुत मेहनत की। तो ये मैट पे यहाँ एक्सरसाइज करते होंगे ना? हाँ। ये देखिए। अच्छा ये उसमें खाड़े में। हाँ। खाड़े में। तो ये खाड़ा कितनी दूर है यहाँ से? थोड़ी दूर है। अच्छा। असल में दोस्तों आज अंकित भैयापुरिया घर में नहीं है, वो गए हैं हरिद्वार गए हुए हैं। लेकिन मैं आपको उनके जीवन के संघर्ष की कहानी, उनके चाचा जी, उनकी मम्मी, उनके पिताजी, उनकी ताई, बाहर जो मिट्टी के बर्तन लगा रहे हैं पकाने के लिए, उनसे मैं पूछता हूँ, बातें करता हूँ। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, बच्चा बहुत ही रियल, सच्चा और ईमानदार, और भगवान ने उसका साथ भी दिया है। भोले शंकर का उपासक है, बहुत ज़्यादा वो भगवान भोलेनाथ को मानते हैं। तो कुल मिला के भगवान भोलेनाथ ने उनको बहुत ही मतलब आशीर्वाद दिया, तब जा करके उस बच्चे का नाम हुआ है। लेकिन लगातार वो मेहनत कर रहा है, लगातार, बिना किसी दिखावे के, बिना छल के, कुछ नहीं, जो उसका सिंपल ज़िंदगी है वो यही है।
लोग दिखावा करते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर, लेकिन नहीं, उसने जो खाया जो पिया जो देसी किताब है, मतलब पूरी फैमिली बिल्कुल देसी है। और बाबूजी उसके बचपन के बारे में और बताओ बाबूजी। बचपन से बी ए पास करिए उन्हें यार। अच्छा बी ए पास करा क्या है? ये पास हो ली उसकी? हाँ, ठीक है जी। 25 साल का हो गया। 25 साल का है जी। घर में और कौन कौन है जी? उसके बहन भाई? दो बहन है, बड़ी है बहन। दो बड़ी बहनें हैं, दोनों की शादी हो रही है? दोनों शादी हो रही है, छोटा था ये। अच्छा ठीक। और आपकी खेती बाड़ी वगैरह जमीन? कुछ नहीं है हमारी, बस अपना मिट्टी के बर्तन बनाने का काम। हाँ, मिट्टी के बर्तन यही काम हमारा, ना कोई खेती है ना कोई नौकरी है। हाँ जी, तो ये काम तो फिर गर्मियों में ज्यादा चलता होगा, क्योंकि मटके का पानी तो उस टाइम ज्यादा इस्तेमाल होता है ना। अब तो ये आ गया ना, कूलर कालरा भी इसमें इस्तेमाल होता है। दिवाली पर आएगा, अब दिवाली तक काम रहेगा, फिर उसके बाद जी उसके और स्टॉक कर लिया, फॉर्चून में दे दिया, थोक रेट में दे दिया, उसमें दे देते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये थी इनकी जेन्युइनिटी, बहुत ही सिंपली तरीके से बता रहे हैं अपने जीवन शैली के बारे में। और काम करने में कोई शर्म नहीं होती, काम इंसान को महान बनाता है। तो चलिए अब उनके मम्मी और पापा से मिलते हैं, जरा चलिए उनसे बात करते हैं। चलिए मेरे साथ। भाजी राम राम। राम राम। भाजी आपका क्या नाम है भाई? रंग देख के ले ले नाम। रंग देख के? रंग देख के क्यों कर बताओ जी? तो भाजी यू आपका शुरू तक काम यू है ना? पहले हम तो पहले भट्टे पे काम करे, पहले भट्टे पे काम करा करते। अच्छा अच्छा अच्छा। ये है जी अंकित भैयापुरिया के पापा, और मजाक मजाक में अपना नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा। और जी अपना सही नाम बताओ। विजेंद्र नाम है। विजेंद्र नाम है जी भाई साहब का, विजेंद्र नाम है। और आज अंकित घर में है नहीं, वो गए हैं हरिद्वार भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए। और ये उनके पापा हैं, उधर मम्मी है, मम्मी से मिलाएंगे। ये ताई जी है, ताई जी से मिलाएंगे। उनकी जिंदगी बहुत ही संघर्षों से भरी रही है, आप देख सकते हो, मेरे बताने की जरूरत नहीं, ये देख सकते हो। ये संघर्ष के बिना ये काम हो ही नहीं सकता दोस्तों, बिल्कुल नहीं हो सकता। विजेंद्र भाई साहब, ये अंकित के बारे में कुछ बताओ। आपका सारा मैं ला दूंगा थोड़ा थोड़ा। क्या बताऊं उसके बारे में? उसके बारे में आपका बालक है बचपन से लेके इतनी की बताओ। वो मेहनत करया करता, पढ़े है 15 साल। कब जन्म हुआ था उसका? उसका 98 में जन्म हुआ था। अच्छा, तो फिर उसके बाद फिर पढ़ाई उसकी कित हुई? गांव के स्कूल सरकारी में? सरकारी स्कूल में। अच्छा फिर जी फिर वो कॉलेज में गया? जाट कॉलेज में। जाट कॉलेज, सोनीपत के जाट कॉलेज में। ठीक है जी, तो फिर उसने शौक कद ला गया पहलवानी का? यही सरकारी स्कूल में था जब बला गया था। सरकारी स्कूल में था जब बला गया था। ठीक है जी, तो उसके बाद फिर उसका खान पीन का हिसाब किताब जी, उसकी डाइट? घी दूध रहा 12 मास, वो पैदा भी ना हो रहा जब घी जोड़ दिया था उसके नाम का। भाई हरियाणा में एक चीज़ तो है, जो गांव में रहते हैं ना सेहत बड़ी जानदार रहती है। मैं खुद हरियाणा का हूँ, तो हम लोगों की यही सोच है दो पैसे कम बचें पर घर में घी और दूध जरूर होना चाहिए, बच्चों की सेहत बहुत जरूरी है। तो विजेंद्र जी ने भी वही किया कि उनके पैदा होने से पहले भी घर में जानवर थे, गाय थी, भैंस थी। भैंस थी, भैंस थी पहले। तो ये भी बाबूजी कितनी गाय आप दो रहे? एक कोई है, दो बच्चे। तो गाय का दूध पिया वो? हाँ, वो 8-10 साल तक गाय का ही पिया। गाय का दूध तो खैर सेहत के लिए अच्छा होता है, ये गाय हमारी माता है, शरीर भी अच्छा रहता है, निरोग रहता है। तो गाय का दूध अगर बच्चे को मिल जाए, उसका घी मिल जाए, तो बच्चे को बीमारी बिल्कुल लगती, ये बात सच है। गाय पके तनु बताई भाई। हाँ, जो हाथ भी फेर देना गाँव पे। हाँ, हाँ। जब भी बीमारी कट रहे हैं। हाँ, हाँ। तो अंकित की क्या खुराक है जी? उसमें जिम में भी करी है घने दिन में। जिम में ट्रेनर के रूप में ना? ट्रेनर था वो, बिना ट्रेनर के। कौन से जिम में कराया जी उन्होंने काम? नहीं बेरा मने। अच्छा अच्छा अच्छा। पर मतलब ये था कि उसने शुरू से एक्सरसाइज करने का शौक बहुत था। उसने फिर ट्रेनर का कोर्स करया। अच्छा, फिर ट्रेनर का कोर्स करया। हां, जिम में तो पहले ट्रेंड था, फिर उन डिप्लोम के चक्कर में। अच्छा अच्छा। आप जी से तो उस तो पूछ जाया करते, उसने तो इतना ज्ञान हो रहा था। नहीं, ज्ञान तो उसने पूरा है, ज्ञान की तो कोई कमी नहीं। हां, आयुर्वेद का भी ज्ञान है, एक्सरसाइज करने का भी ज्ञान है, यह बात बिल्कुल सच्चाई है। तो तड़के उठ के जी फिर मतलब वो भाई अपना खाना पीना किया जी उसका? वो खा रहा वारी ये खाया करता। क्या खा?
वारी ये खाया करता रोटी तो घनी वारी। अच्छा पानी पी कर चढ़ा जा पानी पी के फ्रेश हो गए। अच्छा फिर मेहनत करे फिर मेहनत करके। अच्छा जी फिर मेहनत करने के बाद फिर जब दो फारा और रोटी खाने फिर के खा जी रोटियां में रोटियां के लिए पहले तो बादाम पी हो। अच्छा पहले बादाम घोट के कुछ देर पीछे दो तीन घंटे पीछे रोटी खाया दो तीन घंटे पीछे। संघर्ष बहुत करे है संघर्ष बहुत करे छोरे ने मेहनत बहुत करी है बहुत ज्यादा मेहनत करी है। तो दोस्तों ये है संघर्ष का जीवन ये है मेहनत का जीवन। देखिए ये काम कर रहे हैं और शुरू से इनका ये काम है पहले भट्टे पे काम क्या करते थे अब ये बर्तन बनाने का है। ये मोटे मोटे इसको हरियाणा में भाई साहब गोसे बोलते हैं और बाकी हिंदी भाषा में इसे उपले बोला जाता है और थेपड़ी बोलते हैं छोटा साइज होता है उसको थेपड़ी बोल देते हैं और बड़े को गोसा। ये संघर्ष का जीवन है जी। तो बहन जी अंकित के बारे में बताओ कुछ राज्य को बताओ जो बताना। अंकित ने हमारे सोनीपत का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया। ये बात आप अपना नाम बताओ पहले बहन जी। सुनीता। बहन जी का नाम सुनीता जो कि अंकित की मम्मी है। तो जी ब्याह भी करने की क्या सोची जी आपने इसकी बताना है एक दो साल ना जी इब्बत ली अंगड़ाई है उसने इब्बत अंगड़ाई ली है इब्बत अजी एक साल दो साल जब तक उसका मन नहीं करता ना रुक जाओ जी। बिल्कुल सच्चाई है बिल्कुल बात जायज है सही कहो वो नाटे है करवा ली है। हम तो घने दिन तक है छोरी चली गई थी बिचारी आ का पैसा बना बना पी मैंने कहा हमने कोई प्याना नहीं पाओ जी। मम्मी जी कह रही है कि हमारी बेटियां आती हैं अपने आप चाय पी के चली जाती हैं बना के कहती हैं हम आ रही हैं तो हमने भी हमारी भाभी चाह प्यावे मात रोटी दे। मतलब अंकित की शादी का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। माँ को तो होता ही है बहन को होता ही है पिता को होता है पर लेकिन वो मन करा था हम भी ना करते इंतजार उसका मन है तो वही रहे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ना सही बात है बात जायज है अगर उसका मन नहीं है तो इंतजार करने में और माँ ने तो सारी जिंदगी रोटी देनी है माँ तो कितना अट्टे नहीं बात बिल्कुल जायज है सही बात है बिल्कुल। दो बेटी हैं जी आपके दोनों ब्याह रखी हैं वे। अच्छा और दादी जी दादी दादा गुजर लिए दादा दादी गुजर लिए। अच्छा 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 ठीक है। तो भाऊ जी आप सुरती से काम करो हो। हाँ देखिए बड़े बुजुर्ग मतलब यारे थे सारे। हाँ अच्छा जन्म आपका मतलब यारे का ही है। अच्छा 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 बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। तो स्कूल में जी इसकी पढ़ाई पढ़ाई का मतलब कितना होशियार था जी वो खूब होशियार था बढ़िया मना नहीं कदे ट्यूशन भी लवाया इसका कदे ट्यूशन नहीं लवाया सरकारी स्कूल में पढ़ा पैसे ना थे कितना लवा करते ट्यूशन पढ़ ले पैसे ना थे सच्चाई है पैसे ही नहीं थे सही बात है बिल्कुल ठीक लड़की भी सरकारी में पढ़ी ना उनके कदे ट्यूशन लवाए ना इसके हाथ का घी दूध खा गए छोरा छोरा कति पहलवान बन गया जी दूध घी का होना शौक था खाने का। और उसको उसके ये जो कांधे में जो इंजरी हुई थी वहाँ कद हुई थी जी कुश्ती में हुई है होगा कितना ये 2022 में हुई थी ना हाँ 2022 में हुई थी। हाँ 2022 में कितने अच्छा हाँ जब पहलवान एक पहलवान दूसरे पहलवान के साथ जब ताकत लगाता है दाव लगाता है तो उसे उसको हराने के लिए या उससे छूटने के लिए ताकत लगाई जाती है तो उस टाइम मसल में क्रैम्प आ जाता है तो उसकी जो क्या बात है पिताजी कह रहे हैं उनके कि अगर एक बार दाव में फंस गया तो छोड़ता नहीं है चाहे उसका हाथ उतर जाए चाहे गट्टा उतर जाए जैसे सुल्तान फिल्म में था सुल्तान फिल्म में बेहोश हो गया था सलमान खान लेकिन उसने मतलब क्विट नहीं किया था। तो यही कह रहे हैं इसका मतलब कि बंदे के अंदर डेडिकेशन मजबूती ये रोज की जीवन शैली है ये कार्य है बर्तन कच्चे बर्तनों को बनाया जाता है चाक के द्वारा फिर उनको पकाया जाता है पकाने के बाद इनको मार्केट में बेचा जाता है। बहन जी ये छोटी कमोई कितने कितने चली जाए बाजार में ये वाली ये छोटी या 30 रुपए की और पेंडा मटका जी बड़ा 150 बड़ा 150 चला जाता है और ये है जी इसका कापन
कापन बोलते हैं हमारे यहाँ, लेकिन इसको बोलते हैं ढक्कन। ये जी इसका कापन है, ये अभी पकेगा, कच्चा है अभी। बिल्कुल सीधा साधा जीवन है, सीधे साधे लोग हैं, सब कुछ सीधा साधा है यहाँ पे। कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ नेचुरल है। और ये पराली है दोस्तों, ये धान की पराली है जो कि इस पे लगाई जाएगी। ये इस पे लगाऊंगा ना जी, इस पे, ताकि ये जले। ये देखो इसके ऊपर उपलेट लगाए जा रहे हैं, और उपलेट लगाने के बाद फिर जो ये जो पक्के हैं, जो टूटे हुए बर्तन हैं, फिर इनको उसके ऊपर लगाया जाएगा, और इसके बाद फिर इस पराली को लगाया जाएगा। पराली के बाद फिर वो राख है, वो राख रखी है इनके साथ, जो टूटे हुए बर्तन हैं इनके साथ, फिर इस राख को बिछाया जाएगा। बहुत मेहनत का काम है, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। ये जीवन शैली रोज की है। तो दोस्तों अब अंकित जी जल्दी आने वाले हैं, जब भी वो आएंगे मैं उनके साथ वीडियो बनाऊंगा, उसे मैं आपको मिलवाऊंगा। अभी ये कहेंगे माटी ये तो है, अरे माटी ना न्यू भी तो देखो या बना की कर है, ठीक हो सच्चाई है जी। मेहनत करो तो देखो, तो बहुत मेहनत है इसमें, माटी फोड़ो, घेओ, कुंडी बनाओ, ता मिट्टी फोड़ो, जा छानो ने, छानो फिर चिकरो ने, रंग लाओ के बैठी की काम करना है। बिल्कुल जी, नहीं काम में मेहनत है जी, बिल्कुल सही बात है, बात सच्चाई है। आवे मुझे का खड़े हो जा मालिक कितना देव दे, तो वो भी मदद कराया करता करे जी आपकी। हाँ। अंकित 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 नहीं बनाने आ ये? ना बनाने नहीं आते ऐसे। अच्छा। ये लाग रहे हैं तो गैल करवाओ तो कहाँ। अच्छा अच्छा, ये है गांव का जीवन, देखिए बिल्कुल सीधा साधा, ये राख, पेड़ पौधे, बिल्कुल सिंपल है सब कुछ। ये है जीवन का संघर्ष। बहन जी उसकी कोई बालकपन की बात बताओ, कोई भी किस्सा कोई भी किस्सा सुनाओ उसका। अलबादी बालक था, शरीफ बालक था, यू ठीक था बालक मेरा है जी, बालक ठीक था, कोई अलबाद नहीं करी इसने, कदे झूठ झाट बोल के नहीं कहा, किते कहते क्रिकेट खेलने किते वो जो ना बता के जाया करे था, कती बता के जाया है ना। बहुत बढ़िया बालक, बहुत अच्छी बात है, झूठ तो दोरा भी ना। और किके खागरा जीरा आगरा जी, वो घी दूध और चूरमा खाया करता है, तो खाता नहीं। चूरमा मन्ने बहुत पसंद है, चूरमा हरियाणा का सबसे पवित्र और ताकतवर और स्वादिष्ट भोजन है। वहाँ मेरा टिफिन भर दे, मैं हरिद्वार जाऊंगा। हाँ, हाँ। तो वो बेचारा मीठा खाता नहीं। हाँ, वजन बढ़ जाए ना, ना खाता कोई ना, उन्हें छोड़ रखा है वो 150 दिन का ले रखा। हाँ 150 दिन का ले लिया, पहले 75 हार्ड था, 75 हार्ड और अब है 150 हार्ट। तो है जी, हाँ उससे जोड़ दिया लोगों से, 75 डे हार्ड का चैलेंज भी नहीं होता और वो 150 कर रहा है, 99% लोग इसमें फेल हो जाते हैं, 99% फेल। तड़ा फूड़ा। अच्छा जी, कुछ भी, कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं, सब्जी भी बनाए दी कोफ्ता की, वह भी ना खावे तो। अच्छा, काजू बादाम अखरोट अंजीर ये बेदे है तड़के ना, सामने भी हां सामने बेदे है तड़के, उन्हें फिर उन्हें कूट के ना ऐसे ही चाब ले उन्हें तो। अच्छा, फिर बना बादाम दो ऊपर। अच्छा, फिर खाना दूध दूध उसके साथ नहीं नहीं ऐसे ही पीस के पी, ऐसे ऐसे पीस के पी। अच्छा अच्छा अच्छा, दही खा कर दिन में तो दही कितनी खा ले जी? 1 किलो दही तो चाहिए चाहिए आराम से, 1 किलो दही। और दूध? दूध भी चाहिए इतना ही ना। हाँ, रोटी कम खा रहे जी पहलवान? 2 रोटी दिन में नहीं, एक टाइम में। हाँ, दो मतलब दो पा रहे सांझ में, दो रोटी ये खाओ, 2 ना 3 रोटी खाए कर। हाँ, ये शरीर के प्रति इतना ज्यादा ध्यान देना पड़ता दोस्तों कि वजन ना बढ़े, स्फूर्ति रहे। 2 रोटी उसकी पोक है। हाँ जी, टिप्पण में भर दिया करो। अच्छा अच्छा, घी लगा कर। अच्छा अच्छा अच्छा, घी तो बहुत जरूरी है, पहलवानों का जीवन घी के बिना तो बिल्कुल बेकार है। घी और शहद,
बहुत ज्यादा पवित्र माने जाते हैं, बहुत ज्यादा ताकतवर मानी जाती है सारी चीजें, बिल्कुल सच्चाई। हाँ सर, हाथ का तोड़ा उड़ जी। अच्छा अच्छा, खाना भी सूर गए अच्छा रहा। सच्चाई जी, सूर गए खाना ठीक रहे। बेसुरा तो आदमी दस्त लगा देगा, नींद ना हो, पेट में दर्द हो जाएगा। ओ कुर्डी में गिरेगा। हाँ कुर्डी में जाएगा, कुर्डी में गिरेगा। दाने देगा ना सारा है। हाँ खाना भी सूर का चाहिए मानस ने, ठीक तो बात जाएगी। बहुत मेहनत की जिंदगी है, बहुत टफ जिंदगी है, लेकिन रियल है जिंदगी, कोई दिखावा नहीं है। अपने काम पे अभिमान है, इसलिए सम्मान है। अगर अंकित आज फेमस है तो उसके पीछे ये लोग हैं, वो माँ हैं, ये पिताजी हैं। इनके नेक आदर्श, नेक बातें, अच्छी बातें, वही है सब कुछ, वही अमूल्य निधि है। तो दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि काम कोई भी करो, किसी भी जाति समुदाय से हो, किसी भी आप शहर में हो, सिटी में हो, अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। घमंड मत कीजिए, दिखाओ मत कीजिए। और बाबूजी ने कहा है कि जंक फूड मत खाइए। बाबूजी कहते हैं जंक फूड कुछ नहीं, देसी चीज़ें खाओ, जुड़े रहो। बिल्कुल बैठेंगे जब जिद करके। मारे बालक आ गए थे, आ रहे थे उस दिन, मारे दो रह रहा है। अच्छा, पांच सात बालक इकट्ठे। अच्छा, और वे भी दो तीन तो उनमें बॉडी बिल्डर भी हैं ठाडे। अच्छा अच्छा, मेरा भाई चला जा कि तसे में ना आन दिया। हां हां हां, जरा जा तू। हां हां, फिर ना जिद करके रो है, वीडियो नहीं चला रहे। पर रो भाई, हम ना तो हैं, हम इतनी दूर तो आ रहे हैं। कभी कभी की बात है यार, कई दिन की। अच्छा अच्छा अच्छा, तारीख याद को है मेरा। जब फोन करा पुलिस ने, जब भजे गए दोस्तों। कुल मिला करके बात ये थी कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग आते हैं YouTube का यूट्यूबर बन के, कि जो फैमिली को परेशान करते हैं। ये लोग उनको रात को रोक भी लेते हैं, भोजन भी उपलब्ध कराते हैं, एक घर जैसा माहौल देते हैं। लेकिन लोग आ करके उस दिन पीछे हम ना रोकते, लोग आने के बाद अपनी भी बेइज्जती करवाते हैं और इनको भी परेशान करते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया करके एक तो रात में ना आए, हमेशा दिन में आए। और ये परिवार डेली मजदूरी करने वाला परिवार है। बेशक अंकित फेमस है, सितारों पे है, लेकिन ज़मीन से उठाए वो। तो कृपया करके इन्हें तंग ना करें, परेशान ना करें, अपनी भी इज्जत करवाएं और इनकी भी इज्जत करें हृदय से। और यही हमारे मानव का स्वभाव होना चाहिए। यही मूल मंत्र बाबूजी कह रहे हैं, बता रहे थे कि आते हैं और परेशान करते हैं, कई बार रोते हैं, देखो हमें ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। मतलब ये कि गलत इंटेंशन से ना आए। मैं भी इसलिए आया हूँ कि अंकित के पापा से, मम्मी के दर्शन कर लूँ, अंकित के दर्शन कर लूँ, उनसे मिल लूँ, बात कर लूँ। देखिए कितने सच्चे ईमानदार से जीवन जी रहे हैं, कपड़े लत्ते काम आप देख सकते हो। तो ऐसे ही सच्चाई से जीवन जिएंगे तो आपको आसमान में जाने से कोई नहीं रोक सकता, अदरवाइज आप मिट्टी मिल जाएंगे, कुछ नहीं होगा। बहू जी पहले मेहनत करने वाले आदमी को पिलाओ जी, हम तो ठाली हैं। ये अंकित के चाचा जी हैं हमारे लिए, देखो चाय लेके आए हैं। कितने नम्र स्वभाव के, कितनी प्यारी फैमिली है, देखिए। और देखिए चाय का कलर। पहले मैं अपने भाई साहब को पिलाऊंगा क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। लो भाई साहब पहला पियो, पहला आप लो। दोस्तों देखो चाय का रंग, ये हरियाणा की चाय का रंग है, ये ट्रकों वाली चाय नहीं है। ये देखिए दूध में पत्ती डाल के पिलाते हैं, ये चीज़ है। और मीठा भी बिल्कुल कड़क है भाई, चाय में मीठा नहीं ना, कोई स्वाद नहीं। और चाय का कलर देखिए, दूध में पत्ती डाल रखी है। भाई साहब हमारे पास बेशक पैसा ना हो पर लेकिन ज़िंदगी बहुत अच्छी है, यही चीज़ अंकित के परिवार की है। बिल्कुल ज़मीन से मिट्टी जुड़े हुए हैं और बावजूद देखो कितनी सेवा कर रहे हैं। तो कभी भी आप कितने ही बड़े बन जाइए लेकिन अपनी जड़ों को मत छोड़िए, अपना आत्म सम्मान में छोड़िए और अपनी जो सादगी है उसी में। पानी लाइए रे भाई, पानी लाइए। बिल्कुल यही कहना चाहूँगा मैं आपको। यहाँ पर दोस्तों फेमस रवि जी मिल गए,
और ये इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मिलियंस में इनकी वीडियो जाती हैं। जी हाँ जी, तो अब उनसे बात कीजिए आप। सर बताइए जरा। मेरा नाम रवि है और मैं गांव पलाना से हूँ जो असम तहसील में पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट मेरा करनाल है। ठीक है, मैं यहाँ पर अंकित भाई से मिलने के लिए आया था। मैंने पहले कोई कॉल वगैरह नहीं की थी क्योंकि बंदा पूरा आसमान को छू गया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर खुद मिल रहा है अगर तो भाई, इसलिए वो मैसेज तो हमारे रिप्लाई कर नहीं सकते, तो हमको तो रैंडमली आना पड़ेगा कि मिल जाएंगे, अपनी किस्मत को देखकर आना पड़ेगा। तो उनके माँ बाप तो हमको मिल चुके हैं। ठीक है, तो अंकित भाई नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हम दोबारा ट्राई करेंगे, आएंगे कभी मिलने। और भाई फैमिली बड़ी प्यारी है, माता पिता बड़े प्यारे हैं, सिंपल हैं बिल्कुल, जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं और अभी भी अपने काम में कार्यरत हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी घर भी देख के आए थे अपना, यहाँ पर ये इनका मतलब कि ये वर्क प्लेस है, जैसे यहाँ पर ये मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं। ठीक है, और भाई हमें बहुत अच्छा लग रहा है सच में। हम तो अपना मिनी ब्लॉग बनाने के लिए आए थे और अपना यूट्यूब पर अपना कुछ कंटेंट बनाने के लिए आए थे, तो चलो कोई बात नहीं, अपना फिर कभी आएंगे मिलने। रवि, नए यूट्यूबर्स के लिए क्या कहोगे? नए यूट्यूबर्स के लिए मैं कहूँगा जो हम जैसे नए हैं, हाँ नए यूट्यूबर्स के लिए कहूँगा कि मतलब कि आप मेहनत करना सीखिए। देखिए, एक दिन में किसी का कुछ नहीं होता। देखो, एक दिन में तो घर भी नहीं बनता, एक दिन में अपना कुछ एक दीवार ही बनती है। और यूट्यूब पे तो ऐसी चीज़ है भाई, अगर आप अपना मेहनत करोगे एक दिन ऐसा भी लगेगा आपको कि यार कुछ नहीं हो रहा, व्यूज नहीं आ रहे। लेकिन भाई ऐसी बात नहीं है, अगर अंकित भी एक दिन यही सोच लेता कि व्यूज नहीं आ रहे मैं छोड़ देता हूँ सब, तो मैं आज यहाँ पर नहीं खड़ा होता। ये बात है, और आज मुझे भाई नहीं होते। हाँ ये बात है, अंकित अंकित ही नहीं होता।